शादी होने के बाद महिलाओं को 5 चीजें मायके से ससुराल में नहीं लाना चाहिए। इससे पति की बर्बादी हो जाती है, घर में आती है दुष्ट गरीबी। दोस्तों, हर लड़की को एक ना एक दिन शादी करनी ही पड़ती है और उसे अपने असली घर जाना ही पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी होने के बाद मायके से इन 5 चीजों को ससुराल में नहीं लाना चाहिए। इससे पति का जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यहाँ तक के आपके मायके वालों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। आपसी रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, पति पत्नी में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है। दोस्तों, कौन है जो माता रानी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सी है वो चीजें जो आपको अपने मायके से ससुराल में नहीं ले जानी चाहिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, मायके से बुरी संगत को लेकर ससुराल में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। अक्सर कई गलत माएं अपनी बेटी को ससुराल के प्रति बुरी संगत में, चुगली आदि में गलत रास्ता अपनी बेटी को बताती है। याद रहे, घर की बहू को मायके की बुरी बातों को लेकर ससुराल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों का अंत हो जाता है और स्त्री के चरित्र पर लोग गलत उंगलियां उठाते हैं। ऐसे में स्त्री को ससुराल में अपमान का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ आचार्य चाणक्य, जो कि एक महान ज्ञानी हैं और उनके नीति शास्त्र के बारे में तो दुनिया जानती है, उन्होंने भी यही बताया है कि गलत संगत का असर एक ना एक दिन जरूर रंग लाता है। इसलिए ससुराल में अच्छी बातों को लेकर ही प्रवेश करना चाहिए। ऐसा करने से आपके साथ में महालक्ष्मी भी प्रवेश करेंगी। माता लक्ष्मी आपका हमेशा अच्छा ही सोचेंगी। दोस्तों, अगली चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है धारदार चीजें। मायके से घर की बेटियों को चाकू, छुरी, धारदार नुकीली चीजें लेकर ससुराल में नहीं जाना चाहिए। इससे उल्टा आपके ससुराल में नकारात्मक ऊर्जा, मारकाट, झगड़े आदि प्रवेश करेंगे और आपके मायके का नाम बदनाम होगा। आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके कारण लोग कहें कि मायके की बुरी संगत का असर है, क्योंकि चाकू छुरी प्रेम का प्रतीक नहीं होते। इससे आपके पति के साथ झगड़े, तलाक जैसी नौबत आ सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है शादी होने के बाद महिलाओं को अपने मायके का धन ससुराल में नहीं ले जाना चाहिए। इससे धन लक्ष्मी का अपमान होता है और आपके पति के मान सम्मान में भी कमी आती है। ऐसी पत्नी के पति को लोग बुरी नजरों से देखते हैं, समाज में मान की हानि होती है। इसलिए ऐसा काम कोई भी शादीशुदा महिला ना करे। दोस्तों, अगली चीज है शादी होने के बाद महिलाओं को मायके से भगवान की कोई भी प्रतिमा कभी भी ससुराल में लेकर नहीं जाना चाहिए। और खास करके भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर ले जाने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। शादी के समय बहुत से माता पिता अपनी बेटी को विदा करते वक्त गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में दे देते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर अगर आप अपने मायके से ससुराल में लेकर आते हैं तो मायके को धन हानि उठानी पड़ती है और ससुराल में भी रिश्तों में दूरियां आने की संभावनाएं बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आपको किसी भी भगवान की प्रतिमा अपने मायके से ससुराल में नहीं लानी चाहिए और खासकर गणेश जी की प्रतिमा लाने की या फोटो लाने की भूल ना करें। इससे उल्टा मायके में गरीबी का सामना करना पड़ेगा, घर की लक्ष्मी रूठ जाती है। दोस्तों, एक महिला को पोछा लगाते समय और झाड़ू लगाते समय ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे घर में आ जाती है गरीबी और हो जाता है राहु केतु का वास। दोस्तों, झाड़ू पोछा करने से घर साफ और स्वच्छ रहता है। जो घर साफ और स्वच्छ रहता है वहाँ खुशियां और संपन्नता आती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को महालक्ष्मी का एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों में कोने कोने में झाड़ू पोछा व साफ सफाई रहती है वहाँ वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। घर के सभी सदस्य तरक्की करते हैं और घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे झाड़ू और पोछा करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। खासकर एक महिला को ऐसा पोछा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। घर में गरीबी आती है और राहु केतु प्रवेश करते हैं और शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्याओं से काम काज व झाड़ू पोछा कभी भी नहीं लगवाना चाहिए। इससे पाप लगता है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। वेद पुराण के अनुसार बताया जाता है कि छोटी कन्या बहुत भोली होती है,
इसे देवी का स्वरूप माना जाता है। और अगर आप जानबूझकर भी छोटी कन्याओं से झाड़ू पोछा लगवाते हैं तो घर में गरीबी आती है, शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि जब भी आप घर में पोछा लगाते हैं तो हफ्ते में 3 बार पानी में थोड़ा सा नमक जरूर मिला लेना चाहिए। नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाने से सभी कीटाणुओं का नाश हो जाता है, साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। दोस्तों शास्त्रों में बताया जाता है कि जब सूर्य अस्त हो तो उस समय कभी किसी व्यक्ति को झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये समय सफाई के लिए उचित नहीं माना जाता। सूर्य अस्त के समय झाड़ू पोछा लगाने से राहु केतु आपके घर में प्रवेश करते हैं और महालक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती है और ऐसे में आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को गुरु माना जाता है और पोछा लगाने से गुरु कमजोर हो जाता है, इसलिए बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को पोछा लगाने से और कपड़े धोने से और मांस मदिरा का सेवन करने से संतान और पति पर कष्ट आते हैं और गरीबी को आपके घर में स्थान मिलता है, इसलिए ये गलती कभी भी ना करें। दोस्तों कभी भी जानवर या अन्य सदस्य को झाड़ू से मारना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है, इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। फिर आप चाहे लाख कोशिशें क्यों ना कर लें, लेकिन माँ लक्ष्मी कभी आपका साथ नहीं देती। दोस्तों माना जाता है कि नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास होने लगता है। माता लक्ष्मी साफ स्वच्छ घर में आकर्षित होती है और उसे मालामाल कर देती है। साथ ही साथ पोछा लगाने के बाद कपड़े को तुरंत धोकर सुखा देना चाहिए। गंदा पोछा रखने से राहु केतु आपके जीवन में आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। माना जाता है धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में ही होता है, इसलिए झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए, ऐसा होने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू को हमेशा ही कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। अगर आप झाड़ू को शुक्ल पक्ष में खरीदते हैं तो झाड़ू दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने पर घर में कलेश होता है। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर यानी नॉर्थ और पूर्व यानी ईस्ट के बीच की दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में देवी देवता कभी भी प्रवेश नहीं करते, इसलिए उत्तर और पूर्व के बीच के स्पेस में आपको कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इस कोण में झाड़ू रखने से बचे। झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में छुपा कर ही रखना चाहिए, जहां कहीं पर भी बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नजर ना पड़ सके। जहां तक संभव हो इसे घर के अंधेरे वाले स्थान में रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करें, लेकिन दान करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मंदिर में झाड़ू दान करने के लिए पहले शुभ मुहूर्त जरूर देख लें। अगर उस दिन कोई शुभ योग त्योहार हो तो इस दिन दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।